marine ecosystem, the neritic ecosystem. first, the contents. the neritic ecosystem, productivity of neritic ecosystem, and plants and animal life present in the neritic ecosystem. so, what's the definition of neritic ecosystem? so, neritic ecosystem is actually the ecosystem which is present from intertidal zone, or which is present between intertidal zone and the कॉन्टीनेंटल शेल्फ तो अगर हम इसमें देखें तो इंटरटाइडल जोन से लेकर जो कॉन्टीनेंटल शेल्फ के जो एज है जहाँ से कॉन्टीनटल शेल्फ स्टार्ट हो रही है शेल्फ उसके दरियान का जितना भी एरिया होगा दैट इज़ कॉल्ड द नरेटिक जोन सो नरेटिक जोन इज आल्सो कॉल्ड एज द शेलो वाटर जोन तो आमतौर पर इसकी जो डेप्थ है इट इज़ लेस देन टू हंड्रेड मीटर्स टू हंड्रेड मीटर से इसकी डेप्थ जो होती है वो कम होती है सो हेर इन दिस डायग्राम अगर हम इस इसमें देखें तो बिल्कुल साइड्स के ऊपर जो है इंटरटाइडल जोन है तो इंटरटाइडल जोन से लेकर जहाँ 200 हंड्रेड मीटर डेप्थ स्टार्ट होती है उसके दरमियान का जो एरिया है दैट इज़ एक्चुअली द नरेटिक जोन है अब यहाँ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है नंबर वन कि 200 हंड्रेड मीटर्स तक सन लाइट पेनिट्रेट करती है तो इसका मतलब है कि 200 हंड्रेड मीटर तक नरेटिक जोन जितना भी होगा उसके अंदर सन लाइट मौजूद है और अल्टीमेटली वहाँ फोटोसेंसिस पॉसिबल है जहाँ नरेटिक सिस्टम ख़त्म हो रहा है या नरेटिक जोन ख़त्म हो रहा है उससे अचानक से जहाँ डेप्थ स्टार्ट हो जाती है तो ये एक्चुअली इसको हम कहते हैं कि कॉन्टीनेंटल शेल्फ होती हैं जहाँ से अचानक से जो होती है वो ये डेप्थ स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आगे वो डीप सी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा द प्रोडक्टिविटी ऑफ नरेटिक कीकोसिस्टम अगर हम इसकी बात करते हैं तो नेरेटिकस्टम के लिए जैसे हम देखें दे आर हैविंग डेप्थ लेस दैन टू हंड्रेड मीटर्स टू हंड्रेड मीटर लेस डेप्थ का मतलब ये है कि दो फोटोसेंथिस पॉसिबल इन नेरेटिक इकोसस्टम तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसेंथिसाइजिंग प्लांट्स मेनली एल जी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल जी आर प्रेजेंट देयर जिसमें कैल्प्स हो जाएंगे अब फाइटो प्लैक्टर्स होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर प्लांट्स आर आल्सो देयर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं सेकेंड वन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रिवर्स एंड अदर आउटसाइड जो जितने भी उसके वाटर बॉडीज़ हैं दे आर ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट्स इनटू टू द नरेटिक इकोसिस्टम तो नरेटिक इकोसिस्टम में एक तो रिवर्स से न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं दूसरा जो कॉन्टीनेंटल शेफ्ट है शेल्फ है उससे भी जो होता है वो जब अपवर्ड मूवमेंट होगी की तो अल्टीमेटली जो है वो नरेटिक इकोसिस्टम के अंदर आकर शामिल हो जाएंगे था था तो इस तरह से द नरेटिव इकोसिस्टम सिस्टम इज द मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू द ओपन सी ओपन सी की नगर हम देखेंगे दट इज़ द मोर प्रोडक्टिव इको सिस्टम यहाँ प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी तो वट टाइप ऑफ लाइफ इज पॉसिबल इन नरेटिक इको सिस्टम नरेटिव के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स आर देयर अच्छा एक्वेटिक प्लांट्स की जब हम बात करते हैं उसका मुराद मोस्टली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल आ जाएंगे तो एल जी की अगर हम बात करें दे द कैल्स हैं सी वीड्स हैं दैन दी ग्रासेज हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटो आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंट जो प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इको सिस्टम एनिमल्स एनिमल्स में अगर हम देखें तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफ़र्टिड आर देयर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स यहाँ मौजूद हैं इसमें हमारे पास जितने भी हैं आ, दे आर स्टार्ट राइट स्टार्टिंग फ्राम नेमाटोड एनिलीड्स आर्थ्रोपोड्स मुलसक्स अकाइनोडर्म्स ऑल द अन इनवर्टीब्रेड्स दे आर रिपोर्टेड फ्राम द नेरेटिक इको सिस्टम तो अब और तो वर्टिब्रेड्स से हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज मेनली स्मॉल फिश आर प्रेजेंट इन द नेरेटिक इको सिस्टम जो कि डेप्थ कम है तो स्मॉल फिश जो है वो यहाँ इनहेबिट कर रही हैं वो रह रही हैं जैसे अगर हम इसमें जो स्मॉल फिश में है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थिंग दे आर द कोट द ट्यूना हेरिंग हेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल फिशज आर देयर इंटरेस्टिंगली इन स्मॉल फिश को खाने के लिए लार्ज फिश दे आल्सो मूव टू द दटव जोन कि स्मॉल फिशज से को ईट अप करने के लिए उनको प्रे करने के लिए लार्ज फ़िज होती हैं वो भी ओकेजनली दे विजिट द नरेटिक जोन तो वो भी नरेटिक जोन के ऊपर जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शार्क्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्स जो हैं दे आल्सो विजिट द नरेटिक इकोसिस्टम